देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इसका पत्थर का ही बनावट कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कलर करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, बिल्कुल आपको सामने से मंदिर दिखा रहे हैं। हेलो भाई, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे कौन सा मंदिर? हम लोग पंचगंगा मंदिर चलेंगे। पंचगंगा मंदिर चलेंगे अभी, उसके बाद एक वहाँ पे और एक राक्षस की कोई मंदिर है। हाँ, दो राक्षस भाई थे। अच्छा, उनके नाम पे ही महाबलेश्वर का नाम पड़ा है, बलेश्वर और अतिलेश्वर ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, श्योर नहीं हो रहा हूँ। हाँ, उनके नाम पे ही मंदिर बना है वो। तो ये दोनों अगल बगल है। पंचगंगा में पांच गंगा का समावो होता है, एक साथ मिलते हैं पांच नदी। कोयना संगम है, कोयना, इंद्रायणी, ऐसे चार सावित्री, ऐसे पांच नदी है, इसलिए पंचगंगा नाम है। बात देखिए, आप लोग यहाँ का नजारा देख सकते हैं भाई, काफी अच्छा रास्ता है। और आप लोग देख सकते हैं स्काई ब्लू, बिल्कुल जरा से बादल नहीं है, बिल्कुल इसका इसका एकदम ब्लू ब्लू है। और रोड का तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ से आप लोग आइए बिल्कुल साधन से भाई, बिल्कुल सिंगल रोड है और बहुत ज़्यादा टर्निंग भी है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा टर्न है रोड पे। तो चलिए चलते हैं आप सीधा मंदिर। मंदिर में थोड़ा तो चढ़ना पड़ेगा। फिलहाल पहुंच गए हम लोग भाई मंदिर के पार्किंग एरिया में, और यहाँ से हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर, जो कि पीछे साइड मंदिर है, ये बोर्ड से ढका हुआ है। पोल महाबलेश्वर गेम जोन, ये देख सकते हैं भाई मंदिर, ये रहा आपका मंदिर, ये रहा भाई मंदिर हमारा, यहाँ पे जाना हम लोग को। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये रहा भाई पार्किंग एरिया, और हम लोग आ गए हैं मंदिर के आंगन में, देख सकते हैं यहाँ पे भाई श्री राम का झंडा लहर रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं मंदिर की ओर, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखा देते हैं, मंदिर अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे काफी सारा स्टॉल भी लगा हुआ है। तो चलिए भाई सीधा चलते हैं मंदिर की ओर। चलिए भाई चलते हैं मंदिर की ओर। मेरा भाई मंदिर जाने का रास्ता, काफी सारी दुकान है यहाँ पे, इसके पर भाई सीढ़ी है, ये चलते चलते दम खुल जा रहा है। आए तेरी इधर देखो बेटा, अच्छा लग रहा है। बोलो ओम नमः शिवाय, जय महाबलेश्वर। बोलो बेटा बोलो, कहाँ गए बेटा हम लोग? मंदिर पे। हेलो, मंदिर पे आ गए ना बेटा? ये रहा पंचगंगा मंदिर क्षेत्र महाबलेश्वर, 500 कैमरा अलाउ नहीं अंदर में। पंचगंगा मंदिर पांचों नदी का संगम है ना, इससे तो पानी निकलता था, अभी बंद है इसमें। नहीं, वहां भी जो आ रहा है पानी, पांचों इधर है मंदिर। जय महाबलेश्वर मंदिर। यहाँ पे रुक जाने का को जूता रखना पड़ेगा। और ये रहा मंदिर का मेन गेट, लाइव सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप सभी है। जय महाबलेश्वर। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 भाई, मंदिर आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अंदर में। और यहाँ पे भाई देख सकते हो लाइव सीसीटीवी कैमरा में, जो कि वहाँ पे साक्षात पूजा हो रहा है, पूरा आप यहाँ से लाइव देख सकते हो। तो चलिए भाई अंदर की ओर चलते हैं, कुछ इस प्रकार से मंदिर दिखाई देता है अंदर से। आजा बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा, 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 आजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा नंदी जी,
इधर बेटा इधर इधर ये रहा भाई नंदी जी। चल बेटा आजा आजा बेटा पूरे पत्थर से बना हुआ मंदिर भाई ये और की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सजाया गया भाई ये मंदिर महाबलेश्वर मंदिर यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे की ओर चलते हैं यहाँ से भी एक द्वार है देख सकते हैं भाई शिव जी बिल्कुल विराजमान है। चलो भाई बॉक्स में डालो बॉक्स में डालो बॉक्स में डालो पैसा पैसा बॉक्स में डालो बॉक्स में डालो डाल चलो कोई बात नहीं हम डाल देते हैं कार्तिक के नाम पे भाई दान पेटी पे दान कर रहे हैं। चलो हाँ तो चलो तुम्हारा दान पेटी पे दान दे दिए तुम्हारा पैसा चलो अंदर चलते हैं ना कैमरा अलाउ है कि नहीं भाई। प्रणाम करो प्यारे तो गाइस हम मंदिर से निकल गए हैं देख सकते हैं और ये मंदिर का आंगन है जो कि काफ़ी अच्छा एक अच्छा बेहतरीन जगह भी है और काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर में आने के बाद प्राचीन मंदिर है ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कोई कलर नहीं कोई कुछ नहीं मतलब इसका पत्थर का ही बनावट कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कलर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में बिल्कुल आपको सामने से मंदिर दिखा रहे हैं। देख सकते हो गाइस ये मंदिर है हमारा इधर आप लोग पहाड़ देख सकते हैं कितनी पहाड़ है इधर भी कुछ है शायद छोटा सा मंदिर अच्छा लग रहा है काफ़ी सुकून मिल रहा है भाई यहाँ पे आने के बाद और ये एक गेट रहा जिस गेट से हम निकल सकते हैं बाहर की ओर पूरा मंदिर है भाई तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।